नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूँ आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भाजपा विधायक के साथ थाने में मारपीट करने का मामला सामने आया है। इगलास विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी और थाना प्रभारी के बीच बुधवार को थाना परिसर में मारपीट हो गई। कुछ ही देर में यह खबर जिले भर में फैल गई। आनंद फानन सत्ताधारी सांसद विधायक और अधिकारियों का अमला यहां पहुंच गया। सांसद के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। मामला सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जनपद अलीगढ़ में माननीय विधायक के साथ हुई घटना के संबंध में डीजीपी यूपी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। एएसपी ग्रामीण का स्थानांतरण किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से एएसपी देहात अतुल शर्मा को जिले से हटाने और एसओ अनुज सैनी को निलंबित करने का फरमान आ गया। इसके साथ ही पूरे मामले में आईजी को तलब किया गया है। दरअसल गोंडा क्षेत्र के विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता पर पिछले दिनों हुए हमले की घटना में पुलिस द्वारा क्रॉस एफआईआर लिखे जाने को लेकर विधायक राजकुमार थाने पहुंचे थे। विधायक सहयोगी का कहना है कि वह क्रॉस मुकदमा लिखे जाने पर एतराज जताते हुए बात कर रहे थे। इसी पर थानाध्यक्ष अनुज कुमार सैनी भड़क गए और उनके साथ मारपीट की और उनके साथ ही दो दरोगाओं ने भी मिलकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उनके कपड़े भी फाड़ दिए। हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वाशने। उसके बाद सलीम ने और उसके परिवार ने उसके बाहर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई, ऐसे उन्होंने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी, उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद ऐसे उन्होंने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए, काम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज हम मिल बात करने आए तो हम पर तीन तीन दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए तीन तीन दरोगाओं ने। वो तो देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे बच्चे पड़ के मारने के लिए। मामले में लेकर विधायक भी आज जो है हमने पूरी पार्टी के साथ थाने आए थे। यहाँ पर उनकी थानाध्यक्ष के साथ जिसमें ये बता रहे हैं, तो इसमें अभी इसकी जांच की जा रही है। जो हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वाशने, उसके बाद सलीम ने और उसके परिवार ने उसके बाहर घर पर चढ़ के कड़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का।